तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। अरे वाह, ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके सर पर तो ये भी है, इसे बोलते हैं फर। इसके सर पर तो फर भी है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं स्वर ई। इसके बारे में तो आप जानते हैं ना? तो चलिए सबसे पहले हम स्वर ई का अभ्यास। ई से स्त्री, ई से इमली, ई से इमारत। सांप था, वह घूमा और उसने अपनी पूंछ नीचे मोड़ ली। तो बच्चों, आपको याद आया स्वर इक के बारे में? आज हम करेंगे स्वर ई। इसको क्या बोलते हैं? इक। और इसको क्या बोलते हैं? ई। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं स्वर ई के बारे में। चलिए बच्चों, एक कहानी देखते हैं। ई से ईशा एक ईमानदार लड़की थी। इस लड़की का नाम क्या है? ईशा। वह कैसी थी? ईमानदार। ईमानदार मतलब जो सच बोलते हैं। वह ईख के खेत के पास रहती थी। किसके खेत के पास रहती थी? ईख के। आपको पता है बच्चों, हम ईख को गन्ना भी बोलते हैं। उसका घर ईख से बना था। ई से ईट। हमारा घर किससे बना होता है? ईट से। ईट क्या है बच्चों? ये ईट। ईट से क्या बनता है? घर। वह हर रोज ईश्वर की पूजा करती थी। ईश्वर की आप पूजा करते हो ना बच्चों? ईश्वर को हम कहते हैं भगवान। ई से ईश्वर, ई से ईट। एक दिन उसने देखा ईख के खेत में कुछ जानवर आ गए थे। देखिए बच्चों, ईख के खेत में कौन आ गए हैं? जानवर। वह इलियास का खेत था। इलियास कौन था? इलियास ईशा का दोस्त था। उसका नाम था इलियास। ई से इलियास, ई से ईख। वह एकदम से ईख के घर से निकली। वह जानवरों को बिना ईख खाए वहां से हटा दिया। ईशा ने क्या किया? उन जानवरों को भगा दिया बिना ईख खाए। आपको पता है बच्चों, ईशा की मदद से इलियास के खेत की ईख बच गई। ई से ईशा, ई से इलियास, ई से ईख। उसने ईशा का और ईश्वर का धन्यवाद किया। ई से ईशा, ई से ईश्वर। ईसा, ई से ईंट, ई से ईख, ई से ईंट। ये बच्चों, अब आपकी हिंदी किताब का पेज 13 करते हैं। तो चलिए स्वर ई बनाते हैं। एक छोटा सा सांप था। आपको कैसे बनाना है छोटा सा सांप? ऐसे। वह घूमा और उसने अपनी पूंछ मोड़ ली। और आपको पता है बच्चों, उसको गुस्सा आया और उसने अपना फन ऊपर कर लिया। ऐसे। ये क्या बन गया? ई। दोबारा देखते हैं। एक छोटा सा सांप था। वह घूमा और उसने अपनी पूंछ मोड़ ली। और जब उसको गुस्सा आया, उसने अपना फन ऊपर कर लिया। एक छोटा सा सांप था। वह घूमा, अपनी पूंछ मोड़ ली। और जब उसको गुस्सा आया, उसने अपना फन उठा लिया। चलिए बच्चों, अब आप इसी तरह से ये पेज पूरा करेंगे।